हेलो फ्रेंड, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े हैं हमारे एक और कस्टमर जो यूके डिपेंडेंट वीजा के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहे जून 2023 में, तो अभी ये ह्यूमर बहुत बड़े पैमाने पे फैला है कि यूके ने जनवरी 24 से डिपेंडेंट वीजा देना बंद कर रहे हैं या कोई नया रूल्स ला रहे हैं। तो ये भी कपल डिपेंडेंट के साथ यूके जाना चाहते थे और केयर इमिग्रेशन ने उनकी सहायता की, दोनों के पास वीजा लगाया, वो भी विद इन अ वीक यूके का वीजा। कैसा लगा उनका एक्सपीरियंस केयर इमिग्रेशन के साथ, कैसा रहा, वो केयर इमिग्रेशन में कैसे पहुंचे, दूसरी कंसल्टेंसी में जॉब कर रहे थे वीजा की ही कंसल्टेंसी में, फिर भी उन्होंने केयर इमिग्रेशन को क्यों चुना, सारी चर्चा करेंगे उन्हीं कस्टमर के साथ। दोस्तों, तो मेरे साथ है, हेलो गाइस, माय नेम इज हेतल गिरीश भाई पंचाल और मैंने यहाँ पे बैचलर कंप्लीट किया है 2018 में और तब से मैं दूसरी कंसल्टेंसी वीजा कंसल्टेंसी में ही जॉब कर रही थी और मैंने सडनली यूके का प्लानिंग किया और मैं स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से मुझे केयर इमिग्रेशन का रेफरेंस मिला तो फिर मैं यहाँ पे आई और निशित सर ने मुझे अच्छा गाइड किया कि आपको किस कोर्स में और कौन सी यूनिवर्सिटी में हाँ जाना चाहिए। और मैंने 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, फिर मैंने उसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड शायर को चुना और मुझे जून 2023 के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड शायर में एडमिशन मिला और मेरा वीज़ा भी 1 वीक में ही ग्रांट हो गया विथ डिपेंडेंट। जो अभी नए रूल्स आए हैं कि जनवरी 2024 से डिपेंडेंट वीज़ा बंद किए जा रहे हैं, तो हमें बहुत ही मतलब कि बहुत ही टेंशन हो रहा था कि क्या होगा, मिलेगा डिपेंडेंट का, और हमने तय किया था कि जाना है तो दोनों के साथ में ही जाना है। ये चीज होती है हितल, तो, हाँ। मेरे को अभी भी याद है हितल जब से यहाँ पर आई थी अपने लिए कभी नहीं वो पूछती थी मेरा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ निशित भाई, देखना मैं भी दूसरी वीजा कंसल्टेंसी में, आपको क्यों चुना होगा, मेरे को हस्बैंड के साथ ही जाना और बीच में रूल्स चेंज हो गया या होने वाला है, ये उनके हस्बैंड भी साथ है, उनसे भी बात करते हैं। सर आप खुश हो भाई? हाँ बहुत खुश हैं। तो सर आपका एक्सपीरियंस केयर इमिग्रेशन के साथ कैसा रहा? नहीं, केयर इमिग्रेशन में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मैं जरा आपको ये दिक्कत हूँ, ठीक है आप बोलिए। केयर इमिग्रेशन में अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस और वो सब प्रोसेस जो सब प्रोसेस है वो सब इजी प्रोसेस से हमारा हो गया। और आपका कितने टाइम में आपका वीजा लगा? एक वीक में डिपेंडेंट का। जब डिपेंडेंट की फाइल आपकी चल रही थी तो आपको भी शायद कहीं ऐसा लगा होगा कि भाई रूल्स चेंज हो रहा है या फिर कोई दिक्कत होगी आगे जाके, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत टेंशन हो रहा था। हाँ। और हर एक जगह पर डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट चलेगा ये नहीं चलेगा, ऐसा ही बैंक बैलेंस चाहिए, उन सब में केयर इमिग्रेशन एक्सपर्ट मानते हो आपके वो है अपने हिसाब से, वो अपने आप ही यूके डिपार्टमेंट 2-3 दफ़ा डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनी करके आगे रखता है, तो वो सब क्वालिटी आपको दिखी यहाँ पर? नहीं, हमारा कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इजी प्रोसेस में सब हो गया। बहुत बढ़िया। तो फिर लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, 10 में से अगर आपको रेटिंग देना हो, मार्क्स देने हो 10 में से, तो आप कितने देंगे केयर इमिग्रेशन यूके डिपेंडेंट के साथ वीजा जो लगा उसके लिए आप कितने देंगे? 10 में से 10। बढ़िया। चलिए अभी स्टूडेंट को पूछते हैं कि ओरिजिनल उसका एक्सपीरियंस वीजा के ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू होता है उसकी ट्रेनिंग, ये सब मिला के कितने? 10 out of 10। यही चाहिए केयर इमिग्रेशन को दोस्तों, कि हमारे जो स्टूडेंट्स और क्लाइंट है वो एकदम अच्छी तरह ये सर्विस को ले, और हमारा ये मोटो रहेगा कि हम उसको पूरी तरह सर्विस दे पाए। चलिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वीज़ा की कॉपी उनको दिखाते हैं उनकी। ये है हितल बहन की वीज़ा कॉपी फॉर यूके फॉर स्टूडेंट वीज़ा विद इन अ वीक। हितल जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और साथ में उनके हस्बैंड की, वो भी डिपेंडेंट के साथ जाने वाले हैं। अभी जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई यूके अभी भी जा सकते हो आप जनवरी से पहले, अगर आपको डिपेंडेंट के साथ जाना है तुरंत केयर इमिग्रेशन का कांटेक्ट कीजिए, ये है उनका डिपेंडेंट का वीज़ा। कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको भी। ऐसे ही और वीडियो और स्टूडेंट की जर्नी हम आपके साथ लाते रहेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।